पे सामने खुली हुई है, तो हम आपको 2013 पढ़ाएंगे। तो आपके पास भी 13 अवेलेबल है, कोई और वर्जन अवेलेबल है? नहीं सर, हमारे बिल्डिंग में सिस्टम है 2007 है सर। और आपके कंचन जी आपके पास 2007 आई गेस 7 ही है मैं, लेकिन 13 आप एक बार ट्रेंड हो जाऊंगी तो मैं 2013 करवा लूंगी, वो ऑफिस वो वाला जिसमें 13 होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो नहीं आप ऑफिस में आप कौन सा 13 यूज, सर्विस करने के लिए करवा लूंगी। मैं बोला था आप ऑफिस में कौन सा यूज करते हैं, 2007 या 2013? तो चलिए हम 2007 ही आपको कराते हैं, जो चीज समझ में आए वही चीज करनी नहीं चाहिए। नहीं आप ओके सिस्टम को तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साथ। ओके तो आपके सामने जो है एक्सेल 2013 का एप्लीकेशन है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। और आप लोग एक्सेल से फैमिलियर हो तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, शीट क्या होता है। आप सब एक्सेल पे काम करते हैं और आपको एक्सेल की नॉलेज है। तो हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस मतलब कि हम ये तो जानते हैं कि हमारे पास कितने रो और कितने कॉलन होते हैं, 10 लाख समथिंग रो होता है, 16 हज़ार समथिंग कॉलन होते हैं। लेकिन मैं लिमिटेशन में हर चीज़ की जानने की बात करता हूँ कि हम रो को कितना बड़ा कर सकते हैं, कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, रो को कितना ऊंचा कर सकते हैं, एक सेल में हम कितना टाइप कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेज है। मुझे अगर पूरी की पूरी लिमिट की लिस्ट मिले जिससे हम उसको समझ पाए कि हमारे एक्सेल की लिमिटेशंस क्या क्या है, तो उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक्सेल हेल्प होता है, यहाँ पे एक्सेल हेल्प, इसका शॉर्टकट F1 है, उसको प्रेस कीजिए और जहाँ सर्च बार दिख रहा है इस सर्च बार में आप लिमिट सर्च करें। हाँ F1। हाँ ये फोन है। हेलो जी, हाँ हेलो जी, असल में आपको आधे घंटे बाद कॉल करूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं आपको क्लास के बाद फ़ोन करूँ? ओके मैं इस क्लास को फ़ोन करता हूँ। ओके तो जैसे मैंने लिमिट सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ आपके पास आ गया एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स, इस पे क्लिक कीजिए। तो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है एक्सेल में तो आप लोग जनरली गूगल पे जाके सर्च करते हो, लेकिन मैं सलाह देता हूँ आप गूगल पे नहीं एक्सेल के हेल्प पे सर्च करो। क्यों? क्योंकि गूगल पे जो चीज़ें दी गई है हमें मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ें दी गई है वो 100% प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। क्यों? वहाँ पे आर्टिकल्स जो डले होते हैं, ब्लॉग डले होते हैं, वो लोग डालते हैं, हम जैसे लोग डालते हैं, आप जैसे लोग डालते हैं, लेकिन एक्सेल के जो हेल्प है वो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रूफ रीडिंग करके डाला है। तो इसमें एक एक चीज़ आपको सही तरीके से समझाई गई होगी और पूरी कंप्लीट मिलेगी आपको। तो जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप एक्सेल हेल्प में पहले सर्च करें, देन अगर हेल्प एक्सेल हेल्प से आप अगर नहीं आपको समझ में आता है देन आप गूगल पे जाए और गूगल पे जाके सर्च करें, फिर आपको वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो एक्सेल एक्सेल हेल्प के अंदर जो हम यूज करते हैं वो एक्सेल हेल्प में आपको हमारा 100% प्रूफ रीडिंग के साथ मिलता है। तो जब भी हम यूज करें तो एक्सेल हेल्प ही यूज करें। इंफॉर्मेशन हाँ अब आपके सामने एक्सेल, यहाँ देखिए मैंने एक्सेल हेल्प पे जैसे क्लिक किया और मैंने लिमिट सर्च किया तो यहाँ पे आपके सामने लिमिट्स आ गए। इसमें देखिए फीचर्स एंड इसकी मैक्सिमम लिमिट्स हैं। तो ओपन वर्कबुक सबसे पहला है और सामने लिखा हुआ है लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नॉट एक्सेल, पूरी कंप्यूटर के अंदर में आपका जो है ना अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हम अनलिमिटेड कर सकते हैं उसके, हम ये बोल रहे हैं कि पूरी की एक्सेल में नहीं, पूरी कंप्यूटर में ही हम अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। हेलो अरे अंकित जी, हेलो हेलो आवाज नहीं आ, हाँ हेलो हाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस हो
ठीक है, कोई बात, मैं कल से प्रॉब्लम नहीं होगी, कल से मैं सेंटर से क्लास लूँगा आपकी। तो मैक्सिमम लिमिट्स जो है, मतलब कि ओपन वर्कबुक, इसमें आपको अवेलेबल वाई मेमोरी यानी रिसोर्स सिस्टम जो दिखा रहा है, मतलब कि मैं ये कर रहा था कि सिस्टम आपको एक्सेल के अंदर में अनलिमिटेड वर्ड कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ की लिमिट डिफाइन होती है, ठीक है, हर एक चीज़ की आपके पास लिमिट डिफाइन होती है और हर एक चीज़ की लिमिट होती है। तो जब भी आप एक्सेल के अंदर में कुछ करें तो वहाँ, आप एक काम करिए ना सुजीत जी, आप कल जब सेंटर में जाइए आप तभी ले लीजिए, वरना फिर ठीक दिक्कत है, होगी, तब बच्चे तक बीच में आप तब तक डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ओके। कंचन जी और आप अंकित कल जी, का टाइम बता दीजिए, कल कितने बजे, आप 7 बजे वही रखेंगे? 7 से 8 हम कल से आपकी ट्रेनिंग लेंगे। कल 7 से 8 है, ठीक है, ओके, ठीक है। और 1 मिनट, मैं अभी आपको फोन भी करती हूँ, मुझे कुछ पूछना है। ठीक है, ओके ओके ओके। अंजी जी, आपने रिकॉर्डिंग, मैंने जो कल रिकॉर्डिंग भेजी थी वो आपने कर लिया था? सर क्या हम उसके बात कर रहे हैं? सर हाँ, आपसे बोल रहा हूँ। मैं बोला कल मैंने जो आपको रिकॉर्डिंग दिया था, रिकॉर्डिंग की मेल की थी लिंक की, उसको आपने देखा था सर? उसको मैंने डाउनलोड किया, काफी मुश्किल के बाद डाउनलोड, काफी लंबा आपका वो वीडियोस था सर, तो आपने उसको देखा? मैंने नहीं, आओ मैंने डाउनलोड ना, अभी तो देखा नहीं, मैंने ऐसे रफली देखा है, एक काम अभी कीजिए, तो आप आपने जो अपलोड किया है। लेवल 2 जो है ना उसको प्लीज देख लीजिए। लेवल 2, हाँ, लेवल 2 जो, दो रिकॉर्डिंग है इसमें, लेवल 1 एंड लेवल 2, तो प्लीज लेवल 2 को एक बार देख लीजिए। और मैं आज, मैं ठीक माफी चाहता हूँ, मैं पता नहीं मैं घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कनेक्शन ठीक हुए, मैं बराबर क्लास लेता हूँ यहाँ से, लेकिन प्रॉब्लम आज क्या बात है, प्रॉब्लम आ रही है, दोपहर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल सुबह हम जो है ना, कल हम आपके सामने, हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं, और मैं कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आपको, ठीक सर, ठीक है? तब तक वो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए। नमन, तुम क्यों परेशान करते हो जब मैं क्लास लेता हूँ? पता है तुम क्लास लेते हो, मुझे परेशान मत करना मुझे। अब मना किया ना कि क्लास लेते समय आप मुझे परेशान मत कीजिए, ठीक है? सब जाओ घर, जाओ घर में, चले जाएंगे सब, भागो यहाँ से, हम चले रहेंगे, भागो, जाओ जाओ जाओ, बेटा चलो, दांत आपके बुलाए, कॉफी किससे बदी आ रहे थे कि खून गिर रहा है, क्या गिर रहा मैं है? बड़ा होने दो, बड़ा हो जाऊं मैं आपका है ना मुंह तोड़ूंगा, बड़ा हो जाऊंगा अभी तुम्हारा हम हम दांत तोड़ देंगे, अभी क्यों नहीं बोल बोलता है तोड़ूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुंह कंचन तोड़ दूंगा। मिश्रा। तुम चाहो 9 1 0 8 4 मैं दो बार घूमने जा रहा हूँ, ठीक है।
हेलो अनिल जी, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा सर, मैं बोला था सर, क्लासेज आपने ले रहे हो, आपको ठीक ठाक लग रहा है ना?